पापा आपके दुआओं के साए में रहना है, पापा आपके दुआओं के साए में रहना है, पापा ज़िंदगी आपके बाहों में बिताना है, पापा आपके दुआओं के साए में रहना है, पापा ज़िंदगी आपकी बाहों में बिताना है, पापा ऐसा काम करूँगी हमेशा मैं आपका नाम करूँगी कि पापा मैं ऐसा काम करूँगी हमेशा आपका नाम करूँगी, कभी भी आपका सर झुकने ना दूँगी कि मैं कभी भी आपका सर झुकने नहीं दूँगी, ये जो लोग हैं मुझे तोड़ने की, मेरी खुशियों को छीनने की कोशिश करते हैं, ये जो लोग हैं मुझे तोड़ने की, मेरी खुशियों को छीनने की कोशिश करते हैं, पापा मैं अपने सफलता से इन्हें मुंह तोड़ जवाब दूंगी, पापा मैं अपनी सफलता से इन्हें मुंह तोड़ जवाब दूंगी। एक पिता अपनी बेटी को क्या क्या सीख देता है उस पर मैंने लिखा था कि अक्सर मेरे पापा ये सारी चीज़ें हमसे बताया करते हैं, तो उसी को मैंने शब्दों में पिरोने की कोशिश की कि मेरी उंगलियों को पकड़कर मुझे चलना सिखाया है, मेरी उंगलियों को पकड़कर मुझे चलना सिखाया है, वो कोई और नहीं पिता के रूप में ईश्वर का ही साया है, वो कोई और नहीं पिता के रूप में ईश्वर का ही साया है। कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं, ये जो कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं, उन्होंने मेरे हौसले को हमेशा बुलंद करवाया है, वो कोई और नहीं पिता के रूप में ईश्वर का ही साया है, वो कोई और नहीं पिता के रूप में ईश्वर का ही साया है। मेहनत ही, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहनत ही सफलता की कुंजी है, मेहनत ही सफलता की कुंजी है, ईमानदारी ही हमारी पूंजी है, यही ज्ञान वो हमको हमेशा पढ़ाए हैं, वो कोई और नहीं पिता के रूप में ईश्वर का ही साया है, वो कोई और नहीं पिता के रूप में ईश्वर का ही साया है। जीत की खुशी क्या होती है, सफलता की क्या इज्जत होती है, कि जीत की खुशी क्या होती है, सफलता की क्या इज्जत होती है, ये बात हम सबको बताए हैं, वो कोई और नहीं पिता के रूप में ही ईश्वर का साया है, वो कोई और नहीं पिता के रूप में ईश्वर का ही साया है। ये आखिरी लाइन है कि माँ माँ हर दुख सुख को गले लगा के आंसू बहा के छिपाती है, माँ हर दुख सुख को हमें गले लगा कर आंसू बहा कर छिपाती है, पापा ने हर दुख में शांत रहकर मुस्कुरा कर दिखाया है, कि पापा ने हर दुख में शांत रहकर मुस्कुरा कर दिखाया है, वो कोई और नहीं पिता के रूप में ही ईश्वर का साया है, वो कोई और नहीं पिता के रूप में ही ईश्वर का साया है। बहुत बहुत शुक्रिया। यह है कि पापा ये कौन लोग हैं जो आपके फूल को तोड़ कर लिए जा रहे हैं, ये जब होता है जब बेटी की विदाई का समय होता है, जब उसकी शादी का वक्त होता है, पापा ये कौन लोग हैं जो आपके फूल को तोड़ के लिए जा रहे हैं, पापा सात फेरों में हमारे रिश्ते को पराया बनाए जा रहे हैं, पापा ये कौन लोग हैं कि जो आपके फूल को तोड़ के लिए जा रहे हैं, पापा सात फेरों में हमारे रिश्ते को पराया बनाए जा रहे हैं, पापा रोक लो इन्हें वरना, पापा रोक लो वरना ये चिड़िया आपके आंगन से उड़ जाएगी, पापा रोक लो इन्हें वरना ये चिड़िया आपके आंगन से उड़ जाएगी, वो खुद की पहचान से रूठ जाएगी, ये चिड़िया आपके आंगन से उड़ जाएगी, वो खुद की पहचान से रूठ जाएगी, पापा आपके बगीचे में ये दोबारा फूल नहीं खिलेगा, पापा आपके बगीचे में ये फूल दोबारा नहीं खिलेगा, माली जो इस फूल से दूर हो जाएगा, पापा पकड़ लो हाथ और ये मुसीबतें भी करा दो पार, पापा पकड़ लो ये मेरा हाथ और मुसीबतें करा दो पार, अब मुझसे और लड़ा नहीं जाएगा, मुझसे और लड़ा नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैंने लिखा है कि इन तूफानों से जाकर कह दो, इन तूफानों से जाकर कह दो थोड़ा थम जाए, इन तूफानों से जाकर कह दो थोड़ा थम जाए, मेरे पापा का मुझ पे साया है, ये जो मुश्किलें मुझसे आंखें मिला रही हैं, ये जो मुश्किलें मुझसे आंखें मिला रही हैं, उनसे कह दो जरा नजरें झुका लें, मेरे पापा का साथ मेरे साथ है।
और ये जो लोग हैं मुझे जीने का तरीका बता रहे हैं, ये जो लोग हैं मुझे जीने का तरीका बता रहे हैं, जाके इनसे ज़रा कह दो मेरे पापा ने मुझे अंगारों की तरह पाला है, मेरे पापा ने मुझे अंगारों की तरह पाला है। बहुत बहुत शुक्रिया।